रहीम, अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। ये आउटलाइंस ऑफ होम इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशंस लेक्चर नंबर 1 है ये आपका, और हम क्लास में चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके थे। ये वाला चैप्टर हमने पढ़ लिया था, जो कि हम अब पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। सो पेज नंबर 10 से स्टार्ट करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, यहाँ से स्टार्ट करना। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने। ये फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं इसके अंदर। और इट इज़ हाउ यू नो एंड अंडरस्टैंड योर सेल्फ। इट इज़ द कॉन्सेप्चुअल एंड मेंटल अंडरस्टैंडिंग दैट यू होल्ड फॉर योर एग्जिस्टेंस। ये यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही है कि जिस अपने आप का एहसास, या अपने आप को पहचानना, या अपनी अपने आप की ज़रूरतों को महसूस करना, दैट इज़ कॉल्ड द सेल्फ कॉन्सेप्ट। आगे सेल्फ, देर आर सो मैनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसमें सोशल है, गोल्स क्या होते हैं, एबिलिटीज़ क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, ये सब चीज़ें सेल्फ कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करती हैं। आगे फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, ये इसी पैराग्राफ को मैं यहाँ डिस्क्राइब कर रही हूँ। ये देखें, ये जो चला आ रहा है, इसके हमने 2-3 पैराग्राफ्स के अंदर 1, 2, 3, 4 ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसी को मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया है। इनफैक्ट लर्न्स फिजिकल सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम इन्वायरमेंट। इफ़ बेसिक नीड्स आर नॉट आर मेट, चाइल्ड हैज़ पॉजिटिव फीलिंग्स ऑफ सेल्फ। चाइल्ड इंटरनलाइज अदर्स पर्सनल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सेल्फ। चाइल्ड और अडल्ट इंटरनलाइज स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी। ये फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट है कि इन चीज़ों से, इन्वायरमेंट से, अपनी फीलिंग से, और अपने एटीट्यूड से लोगों के, और स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी से जो है इंसान, अपना बच्चा जो है वो अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट डिवेलप करता है। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये लिखा यहाँ से आपने पढ़ना है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो फैक्टर्स हैं, दैट इज़ सोशल हैं, फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल फैक्टर्स होते हैं। इसकी डेफिनेशन है यहाँ पे, ये जो है ये देखें, ये सारी की सारी जो ईगो किसे कहते हैं, यहाँ से आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इसके बनाने हैं। सेल्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और जितने भी पॉइंट्स हैं इसके, जो हमने पीछे पढ़े हैं, सोसाइटी के हिसाब से, इन्वायरमेंट के, फिजिकल, मेंटल, ये जो सारी पॉइंट्स हैं, इसको आपने यहाँ पे उर्दू के अंदर डिस्क्राइब करना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, वो बेसिक ये स्लाइड्स को तैयार करके इंग्लिश के काम कर सकते हैं। हाँ जी, सबसे पहले जी ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, पहला पॉइंट एरिक्सन के अकॉर्डिंगली। ट्रस्ट इज़ टू ट्रस्ट द प्लेस ऑफ कॉन्फिडेंस वेयर वन रिलाइज ऑन समवन और समथिंग। और मिसट्रस्ट इज़ टू हैव मिसट्रस्ट टू इज़ टू लैक कॉन्फिडेंट इन समवन और समथिंग एल्स। ये लिखा हुआ है, ये देखें, इसके अंदर हम बच्चे जो है वो अपना इस एज के अंदर बच्चे जो हैं वो ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट जो हैं वो डेवलप करते हैं, बिल्कुल 1 ईयर ऑफ एज के अंदर। फिर आगे जी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट है, ये जो इसका सेकंड पॉइंट है। इसका अकर्स इन द टॉडलर एज फ्रॉम 18 to 3 months। अ चाइल्ड लर्न्स टू फीड देमसेल्व एंड टू डू थिंग्स ऑफ देयर ओन, और दे कुड स्टार्ट फीलिंग अशेम्ड एंड डाउट देयर एबिलिटीज़, क्वेश्चंस द चाइल्ड्स विल पावर। ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, थर्ड पॉइंट ये था। प्री स्कूल एज 3 to 5 years, इसमें बेसिकली फॉर्मेशन होती है इस वाली फीलिंग की। यूजिंग इनिशिएटिव इज प्लानिंग और कैरिंग आउट द प्लान्स और डिवेलप अ सेंस ऑफ गिल्ट ओवर मिस बिहेवियर रिगार्डिंग पेरेंट्स लिमिट्स, क्वेश्चन वंस पर्पज एंड रोल इन द लाइफ। आगे है जी इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियोरिटी, ये लिखा हुआ है नंबर 4th, ये वाला पॉइंट। इंडस्ट्री डिवेलपिंग अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस इन ऑल यूजफुल स्किल्स एंड टास्क। स्कूल प्रोवाइड्स मैनी अपॉर्चुनिटीज। इन्फीरियोरिटी है पेसिमिज्म एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन ओन एबिलिटी टू डू थिंग्स वेल। नेगेटिव रिस्पॉन्सेज फ्रॉम फैमिली, टीचर्स एंड पीयर्स कैन कंट्रीब्यूट टू द नेगेटिव फीलिंग्स। एंड द लास्ट है आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन, ये वाला जो पॉइंट है। एडोलेसेंस की एज में पता चलता है हमें आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन है। अकॉर्ड सेंस ऑफ आइडेंटिटी और कैन बिकम कन्फ्यूज अबाउट वंस रोल्स इन लाइफ, क्वेश्चन वन हु आर यू एंड इफ यू आर हैप्पी। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखें, ये तमाम के तमाम एजेस के अकॉर्डिंगली ये इरेक्शन के पॉइंट्स जो हैं ये डेवलप होते हैं इंसान के अंदर, और ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सारे पॉइंट्स हैं। आपने क्या काम करना है, वर्क टू डू है, सारे क्वेश्चंस करने, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने ऑब्जेक्टिव में से, और ख़ुद भी बनाने, और ये काम चैप्टर सारे मुकम्मल करने हैं आपने यहाँ तक। दैट्स इट।